जीवन में सफल होक लिए कौन उद्देश्य रखल जा। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्धि सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम में उपस्थित हो चुकल बाटी हम संचालक राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में। ये कार्यक्रम आप हरेक दिन ठीक इतने समय से देख सकल जा, जिसमें हमारे के समाज में रहल विकृति विसंगति हटा के असल सभ्य समाज के निर्माण हमारे कैसे करे के इस संबंध में हमारे चर्चा कल जात। और इतनी भर ना हो कि हमारे कौन भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कैसे करे के तमाने साधन सूत्र के बारे में पता लगा कोशिश कल जो ओकर साथ में हमारे कोनो भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कल जात। प्रत्यक्ष स्टूडियो में सहभागी करा के वहाँ से बातचीत भी कल जात। कार्यक्रम में अभी संगरी साथ रहा जी, कार्यक्रम में आपके साथ नहीं थे, कार्यक्रम संपन्न हो नहीं सके, यानी कि हमारे से भी भेंट नहीं हुई। तो हमारे विश्वास बा कार्यक्रम अवधि भविष्यत दल जी सची गुड़ी स्तर बढ़ते जात बा, फिर भी हमारे की समाज ज्यों के त्यों बा। रेड नेपाल से आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर के निबंध प्रतियोगिता में रूपंदेही, ओकलडुंगा, सिंतुली, होटांग, ताप्लेजुंग, बझांग 6 जिला सहभागी भल 1420 जना के रूप में जो प्रतिस्पर्धी रहने 1419 जना के पासे करते प्रथम स्थान हासिल करे सफल भेल बाटी। वहाँ तिलोत्तम नगरपालिका 10 महीनों की निवासी होने ममता चौधरी जौन की कक्षा 10 में अधिनत बाटी, हमरे वहाँ से बातचीत कर गिला शिक्षा ग्रहण करे के लिए। और कितना जने बाटी जो हमन के अब अपन घर के जो बाटी अभिभावक लोगन ध्यान नहीं देने, और कितना जने जो घर के अभिभावक बाटी उस सब कहने की अब हमन के जो लैके बाटी चाहे बेटुआ कहाल जा चाहे बिटिया कहाल जा एकदम बढ़िया से अध्ययन करो और जीवन में सफल हुआ। अपन जो घर के व्यक्ति बाटी महतारी बाबाटे अखन के नाम स्थापित करो के सोच रहना। और अब कितना जने थी अवसर पाके भी अपन अवसर के चिन्ह नहीं सकने, कितना जने बाटी और कितना जने लैके बाटी चाहे बेटा हो या बिटिया हो उस सब जो घर के एठू सपोर्ट रहला, घर के सपोर्ट से आगे बढ़ सकने। और कितना जने तो एकठू कहने कि अब जिकर लग मन रहला ओकर लग धन नहीं रहला, और जिकर लग धन रहला ओकर मन नहीं रहला, कितना जने अवसर पाके भी अवसर के चिन्ह नहीं सकने। फिर भी हमन के जीवन में सबसे पहले थे हमन के सोचिक बा हमन के मानव जीवन वैसे हमारे जन्मल के मातारी के कोख से। और जन्मल एक बात है यदि हमारे कर्म नहीं करे के अब कितना जने बैठे अब भगवान दिए ते छप्पर चीर के दिए, यानी कि कल के मतलब हमन के तकदीर में हुई यानी कि भाग्य में हुई ते लिखल हुई ते हमारे प्राप्त करबे करे के, यानी कि भाग्य में विश्वास कह के जीवन में कुछ करे नहीं सकने। ते वैसे अक्सर कह के हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करे के लिए सबसे पहले तो हमारे भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास करे के चाहिए, और हमारे कर्म करते रहे चाहिए यानी कि हमारे काम करते रहे चाहिए, फिर भी हमन के फल के आशा करे नहीं चाहिए। आज हमन के फल प्राप्त नहीं हुई ते बयान हुई बिहान नहीं हुई पर हुई, फिर भी कुछ मात्रा में हमन के फल प्राप्त होबे करी। अब कितना जने भाग्य में विश्वास करने कि हमन के लिखल रही थे वो चीज़ पैबे करे होबे करी, फिर भी कोनो चीज़ हमारे एक तुलना कर जा। अब कोनो जो व्यक्ति बाटी यदि बिन मेहनत के लिए प्राप्त कैल हाले बाटी, और कितना जने वही चीज़ मेहनत के प्राप्त कैले बाटी, जे मेहनत के प्राप्त कैले बा ओके से महत्वपूर्ण वो चीज़ रहा। कल के मतलब कि हमारे जीवन में मेहनत करे के आवश्यक बा, मेहनत नहीं कल जी अब भगवान दिए ते छप्पर चिर के दिए कहीं हमारे सोचित रहा जी, तेजी से अब बालू में कितनो पानी बरा जी फिर ओकर पानी के महत्व ना रहा, हर तरफ बरखा हो रहा बा। अब उस समय में यदि हमारे बांध बने खुई थे हमन के माटी चाही, माटी भी काम नहीं लगी, अब कहा जा बोल्डर यानी कि पत्थर कहा जा अब वो भी काम नहीं लगी, ओमा जाली बना के हमारे जाली में पत्थर रख के बांध बने के तब भर के मजबूत हो सकी पानी रोक सकी, ना कि हमारे अब बालू से बांध बने के ये संभव नहीं बा हमारे जिंदगी में। कल के मतलब कहा कि हमारे अब कुछ कामें नहीं कल जाता, कर्म नहीं कल जाता, तो हमन के सुतले और हमन के बिन जगले ये काम में हम सफलता प्राप्त करब कह के सोचे ते नहीं हो सकी। अब एक दुई जन के एक दुई प्रतिशत कौन सफल भेल बाटी अपन बाप महतारी के एक ओखन के पावर से कहा जा वो अलग बात हो, फिर भी हमारे अपने आप अपन गोड़े पर ठड़िया सके हमन के क्षमता हो चाहिए, ना कि बाप महतारी के गोड़ पर। बाप महतारी एक हमन के कहा जाए एक सपोर्ट गाइड करना व्यक्ति भर होने, हमन के राह देखा वाला व्यक्ति भर होने। तो वैसे अब कितना जो व्यक्ति बाटी अब कहा जा अपन छोटे पर बढ़िया रही है, फिर भी अब कितना जने अपन घर परिवार के बातों से बिगड़ जाने, अब कितना जने बाटी गांव समाज के जो संग्रह बाटी सपाटी बाटे ओखन से बिगड़ जाने, अब फिर भी कितना जने बाटी जो स्कूल जइए कितना जने कॉलेज जइए ओखन से
कुलत में लग के बिगड़ जी अब कितने जने बाटी काम करे दौरान में यानी कि कौन भी जागिर कर बाटी कौन भी पेशा में व्यस्त बाटी और वहाँ के संग्रहण से भी होकर के आनी बानी बिगड़ जाला। तो हम के कहा जाए कि संगत से गुण आए संगत से गुण जाए यदि हमारे कौन की संगत कर जा वो व्यक्ति ओखन के विचार बढ़िया रहे तब भर के हमारे वो व्यक्ति के संगत कर जी जरूर हमन के जौन व्यक्ति सफल बाटी यानी कि हमन के सहयोग कर बाटी वैसन मेरे के भावना के व्यक्ति बाटी ते हमारे भी जरूर सफल हो कहने की एक हाथ से ताली नहीं बजला। यदि हमारे हमन के कौनों के सहयोग चाहता कि सहयोग करे आवश्यक बा न कि हमारे सहयोग भर चाहिए हमन के सहयोग नहीं करे तो नहीं हो पाई। ममता चौधरी जौन की राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में 6 जिला के हराते 1419 विद्यार्थी के पाछे करते सफल बल बाटी ओकर साथ में 30,000 नगद और प्रमाण पत्र वहाँ से बातचीत कल जी। नमस्कार जी बुद्धा टेलीविजन हेरता सबके हमें तो एकदम खुशी महसूस होता अपने गर्व फील होता दी दिन के सपोर्ट कर रहा मनो कुछ हो जे भी कहीं के ऐसे लॉकडाउन रहे तब हम इसी मनो जे जे सहभागी रहे ओकन की स्कूल में बुला के तब 1.5 घंटा में 1,000 शब्द लिखवेले रहा निबंध प्रतियोगिता शीर्ष संग्रह मेरा सपना मेरा भविष्य तहाँ हम तम अपन भविष्य समाज से भी कहीं के बतैले तो हमन की मनो रेडियो जब आए रहे प्रोग्राम तब्बे थार रहे हो कहके तो हमारे पहले से प्रैक्टिस करल जाए 1 घंटा में ऐसा लिख के भेज हो 7 पन्ना ऐसा नहीं लिख के तब वो बारे में बतैले रहे मनो मिस से कुछ कुछ ला ले जा मनो अपने से लिख रही हम ऐसा नहीं यूट्यूब में हेर के अपने आउटबुक में हेर के ऐसा नहीं लिख रही हम तो अब नहीं 5:30 बजे उठा ली तब उठ के मुँह हाथ धो के नहा के पूजा करके तब फिर 8 बजे रेडियो वाला 9 बजे सम्म तब सुना ले जा मेरे लुम्बिनी कार्यक्रम से 9 बजे फिर सुन के तब भा खा के तब फिर 10 बजे 12 बजे सम्म पढ़ा ली जा तब ऐसे नहीं दोपहर के हो जाते घर कार कर ली जा फिर 4 बजे तक पढ़ ली जा तब फिर 5:30 बजे से रेडियो ऑनलाइन क्लास होना 6 बजे सम्म पढ़ के तब फिर ऐसे नहीं भात खा के समझा तब थोड़े 2-3 घंटा पढ़ के तब सुत जाए नहीं पूजा तो नहीं करे करिए तो मन शांत हो गए उतने मेहनत करवाते अपने मन फल पैलो अपन कर्म पर विश्वास कर भाग्य पर कर्म करवाते अपने सफलता नहीं ऐसे नहीं 2-3 घंटा लिखा था दी रोज दिन मनो ओकरे लिखाने ते मन से ना लिखाने कैसे ये लिखी यार वार के अपने भीतरी मन से ना लिखाने। ममता चौधरी जोन की 1419 विद्यार्थी के पाछी करते सफल बल बाटे 10 कक्षा में अंधेरत बाटे कितना मेहनत कर बाटे बिनी 5:30 बजे उठल बाटे ओन से भी हमन के ढेर पाठ सीखे के आवश्यक बा। यदि हमारे 5:30 बजे उठे न सकल जा ते 6 बजे उठल जा अब कितना जने का होला कि अब हमन के कोनो काम धंधा नहीं बा अबेर तक सुत कोई की भी एठो आदत रहला अब कितना विद्यार्थी रहने सवेरे उठने और फिर भी अब शनिवार के दिन अवसर कहके हमन के छुट्टी रहला स्कूल और कॉलेज ते सुत तब हो जी कहके सोचने फिर भी हमन के एठो कहो कि छोट से गलती से बड़बार गलती निमता सकल कल के मतलब हमारे यदि शनिचर के दिन अबेर तक सुते कुछ काम नहीं बके के तो हमन के अतवार के उठे के मन ना लगी कोनो भी काम नहीं बा तब पर भी हमारे सक भरते हमारे 4 बजे उठल जा हमारे 4 बजे उठे के नहीं सके ते 5 बजे एठू पढ़े भर के ना होके कोनो भी काम धंधा हमारे कल जा उतने पर ना होके हमन के एठू दिमाग सफा करके अध्ययन करे के आवश्यक बा गला में निखार लेने के लिए हमारे बोले के आवश्यक बा शारीरिक रूप में हमन के तंदुरुस्त रहे के लिए व्यायाम आवश्यक बा न कि हमारे खान पीन में पर ध्यान धाल जा 2 टाइम खाना खा जाता 2 टाइम नाश्ता खा जाता हम हर एक चीज़ खात बाटी दूध दही माछ मछली इत्यादि खात बाटी तो हमारे स्वस्थ बाटी कहीं के नहीं हो व्यायाम ऐसा चीज़ हो जो कि शरीर के तंदुरुस्त और सक्रिय बना सबसे पहले तो हमारे सवेरे उठल जा और हमन के उठ के का करे परी नित्य कर्म कर जा सतुरते बढ़िया चीज़ हमारे सुनल जा ताकि दिन भर हमन के एक मन में ऊर्जा पैदा भल रहे। राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता शीर्षक है मेरा सपना मेरा भविष्य और हम उन्हें जथी लिख ले ही वो हम सुनाए जाती हूँ वो नेपाली में रहे मनो थिया नेपाली इंग्लिश सब में लिखे बन जाता हम तो नेपाली में लिखला हाली हर एक को आपको लक्ष्य उद्देश्य र गंतव्य हो सब को एवटे सपना होते कोई इंजीनियर कोई प्रशासक कोई डाक्टर कोई वकील र कोई भने विमान चालक बनेर चरा जस्ते आकाश में निर्वाह भएर उड़ी रहना चाहन्छन् त्यो त आफ्नो चासोको कुरो हो किनभने आफ्नो भविष्य आफ्नै हातमा हुन्छ त्यसैले आफ्नो भविष्यमा गएर के बन्ने हो मेरो लक्ष्य के हो पहिचान गर्न आफूलाई चिन्न सर्वप्रथम स्वजागरणको आवश्यकता पर्दछ आफ्नो गन्तव्य प्रष्ट नहुँदा बीच बाटोमै अल्मलिनुपर्छ आफूलाई चिन्न नसक्ने व्यक्ति लक्ष्यविहीन बन्दछ
त्यसैले आफ्नो सबल र दुर्बल पक्षलाई मध्यनजर गर्दै पेसा छनौट गर्नुपर्छ। पानी अविरल बगिरहन्छ र यसले सबैलाई निरन्तर आफ्नो कर्ममा लागिरहने प्रेरणा दिन्छ। आगो आफू जलेर खरानी हुन्छ तर यसले अरूलाई उज्यालो र न्यानो दिन्छ। हावाको लक्ष्य खासै केही नभए पनि त्यो निरन्तर चलिरहन्छ र त्यसले संसारका प्राणीहरूलाई जीवनदान दिइरहेको छ। माटोले प्रतिफलमा केही पाउँदैन तर पनि त्यसले संसारलाई हराभरा बनाएर पशुपन्छी र मान्छेहरूलाई बचाइरहेको छ। आफ्नो लक्ष्य रोज्न कसैको पनि दबाबमा आएर वा डराएर रोज्नु हुँदैन, पछि आफूलाई नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो इच्छा जुन पेसामा वा काममा छ त्यही पेसा रोज्नुपर्छ। यदि कसैले दबाब गरेर यो पेसा रोजभन्दा हामीले आफ्नो इच्छा पेसा नभई नकार्न सक्नुपर्छ। मैले जीवनमा कुनै गन्तव्य तोकेर त्यही पुग्ने अकाट्य लक्ष्य बनाएको छैन, तर सधैँ असल र सत्यको बाटोमा हिँडिरहने लक्ष्य बनाएको छु। त्यसैले हिँडिरहनु नै मेरो लक्ष्य हो। पुग्नु नपुग्नु मेरो चासोको कुरो होइन। टहलिँदै हिँड्नुमा जुन राम्रो र आनन्द छ, पुग्दा त्यस्तो मजा पनि हुँदैन होला। बगिरहने पानी जति स्वच्छ र सफा हुन्छ, जम्दा निश्चय नै त्यस्तो सफा हुँदैन। त्यसो भन्ने हो भने कसैको पनि कहिल्यै पुग्ने ठाउँ नै को कहाँ हुन्छ र के जीवन एक गन्तव्यहीन यात्रा होइन र समाजसेवा गर्न कुनै ठुलो र धनाट्य मानिस बन्नु पर्दैन। बरु समाजसेवामा लाग्ने व्यक्ति असल विचार चरित्रले युक्त हुनुपर्छ। उसको मनमा सेवा सहयोग र परोपकारी भावना हुनुपर्छ। यदि हामीमा त्यागको भावना छ भने, इमान्दारीता छ भने हामी आफ्नो जीवनलाई सधैँ समाजसेवामा समर्पित गर्न सक्छौँ। मानिसहरू काम नपाएर बेरोजगार भएका छन्। राति चामल नभएर भोकै सुत्ने अवस्था पनि मेरो समाजमा देखिएको छ। मैले मेरो यो समाजको सबै समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छु, समाजको मानिसलाई रोजगार गराउन चाहन्छु। त्यसैले म आफ्नो गाउँमा गाउँकै मानिसलाई सहभागी गराई एउटा सानो तिनो कम्पनी खोलेर त्यहाँ आफ्नो समाजको बेरोजगारीहरूलाई काम दिलाई तिनीहरूलाई बेरोजगारबाट मुक्त गराउन चाहन्छु। गाउँमा विद्यालयको उचित व्यवस्थापना नभएको कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले गाउँमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने एउटा विद्यालय निर्माण गराउन चाहन्छु। 10 वर्षदेखि बन्द भएको बाल विकास केन्द्रलाई पुनः जागरण गराउन चाहन्छु। गाउँमा एउटा विशाल पानी टङ्की निर्माण गरी गाउँको मानिसलाई खाने पानीको पीडाबाट छुटकारा दिलाउन चाहन्छु। अहिले 21औं शताब्दी भनेको अनलाइन इन्टरनेटको युग हो। जे काम पनि घरमै बसेर अनलाइनबाट हुन्छ। पैसा एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा पठाउन अनलाइनको माध्यमबाट सजिलै पठाउन सकिन्छ। तर मेरो गाउँमा चाहिँ पूर्ण रूपले इन्टरनेटको फाइदा लिन सकेको छैन। डिजिटल साक्षरताको बारेमा ज्ञान छैन। त्यसैले अनलाइन कारोबार र अनलाइन पढाइको विकास गर्नुका साथसाथै डिजिटल साक्षरताको बारेमा ज्ञान दिन पनि जरुरी छ। गाउँको अव्यवस्थित बाटोलाई निर्माण गराएर नालीको पनि निर्माण गराउनुहुन्छ। अब हाम्रो समाजलाई शिक्षाको आवश्यकता छ, तर यो पुरुष प्रधान समाजले अझै पनि पुरुष र महिलामाथि भेदभाव गर्छ। समाजले महिलाको आवाजलाई माथि उठ्न दिन्न। महिलामाथि दिन प्रतिदिन शोषण, दबाब, हिंसा, अत्याचार, दुर्व्यवहार हुन्छ। तर समाजको नराम्रो परम्परा कुरीतिले गर्दा महिला आफ्नो आवाज उठाउन नसकेर दबाबमा परेर चुप लागेर सहिरहनु परेको छ। शिक्षाको अवसरबाट महिलालाई वञ्चित हुनु परेको छ, जसले गर्दा महिलाले आफ्नो भविष्य आफै बनाउन सकेका छैनन्। होइन, कुरा गर्दामा त जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदापी गरिएसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ। तर खोइ म त देख्दिनँ है कि यो भनाइ आफ्नो जीवनमा लागू गर्न पर्दैन। मुखले नारा मात्रै लगाएर हुन्छ? जन्म दिने आमा अर्थात् महिला, शोषण र अत्याचार पनि सहनुपर्ने महिला, यसको सबैभन्दा ठुलो जड भनेकै शिक्षाको कमी हो। त्यसैले रूढिवादी परम्परालाई हटाउन छ भने शिक्षाको खाँचो छ। अब मैले मेरो अनपढ गाउँलाई शिक्षाको बाटो देखाउनु छ, सही र गलतको पहिचान गराउनु छ। हामी छोरीहरूको जन्मलाई बुबा आमाले अवनति ठानेर कुच्चिङ भन्ने जोरी पारेको दृष्टिमा स्त्रियाको पात्र समेत भई छोरी जन्मिन सात पात्र हेरेर मुटाइ परिछ भनी नाक चेस्र्याउने मेरा छिमेकी पुरेत बाबाको अन्धविश्वासको जालो हटाएर यथार्थमा छोरी पनि मान्छे नै हुन् भन्ने पाठ यस समाजलाई पढाउनै पर्ने भएको छ। यदि धातुलाई पक्राएर अर्को आकार दिन सकिन्छ भने समाजले पनि अन्धविश्वास कुरीतिबाट मुक्त गरेर एउटा नयाँ समाज बनाउन सकिन्छ। यदि अब पनि यो कुरीति परम्परा अन्धविश्वास हटाउन सकिएन भने हाम्रो समाज पछाडि ढकेलिँदै जान्छ। त्यसैले मैले समयमै यसलाई सुधार गरी अगाडि बढाउनेछु। कानुन पढेर अन्यायमा परेका जनताहरूको हितमा लडेर सेवा गर्छ। डाक्टरले बिरामी मानिसलाई उपचार गरेर सेवा गर्छ।
इन्जिनियरले हाम्रो घर बनाएर सेवा गर्छ, त्यसरी नै मैले मेरो गाउँको हितमा लडेर सेवा गर्छु, त्यस हाम्रो समाजलाई सुगम ठाउँ बनाउनेछु। हाम्रो लडाइँ सिङ्गो मानव जातिकै हितमा मानवीय भावना फैलाउनु हो, तर राष्ट्र अहिले भ्रष्टाचारीको ऐन्जेलमा ढाकिएर निरीह भइरहेको छ। भ्रष्टाचारीहरूले नै यहाँ सबभन्दा सम्मानित जीवन बिताइरहेका छन्। पसिना बगाउने गरिबहरूले यहाँ निम्न दर्जाको मान्छेका रूपमा तिरस्कृत हुनु परिरहेको छ। भ्रष्टाचारीहरूको धनले नोकर चाकर राखेर विलासी जीवन बिताउनेहरू नै यहाँ इज्जतदार ठानिन्छन्। हाम्रै विवेकको कमजोरी र चिन्तनको दरिद्रताले गर्दा नै यो स्थिति सिर्जना भएको हो। यी भ्रष्टाचारी चोर डाका कालो बजारी या शोषक भ्रष्टाचारी चोर डाका कालो बजारी या शोषक सामान्त र जाली फटाहाहरूलाई नन्याय र श्रम र पसिनाको मूल्य बोध गराउनेछु। देशवासीका ढुकढुकीमा राष्ट्रियताको ज्योति बालेर विश्व परिवेशमा मर्दै गएका मानवतालाई पुनः जागरण गराउनेछु। पहिला हाम्रो समाज परोपकारी सहयोगी र मिलनसार थियो, तर अहिले मेरो समाजमा मानवता समाजसेवी सबै भ्रष्टाचारहरूको कारणले हराइरहेको छ। आजका छोराछोरी घरमा कुकुर पालेर आमा बाबालाई वृद्ध आश्रम पठाइरहेका छन्। व्यवहारिष्य बालबालिकाहरू यहाँ बाटो बाटोमा बेसहारा भएर जीवनसँग लड्दैछन्। तिनी कलिला बालबालिकाहरूलाई सहारा दिने कोही छैनन्। के यही हो मानवता? के आफ्नो समाजका लागि केही गर्नु पर्दैन? हो, यही मानवता, यही परोपकारी मित्रभाव व्यवहार जागरण गराउनको लागि समाजसेवी बनेर आजका बालबालिकालाई मानवताको उदाहरण दिन चाहन्छु। म समाजसेवा आफ्नो स्वार्थ छिमेकीमाथि भ्रष्टाचार गर्न रोजेको होइन, समाजमा भएको समस्यालाई समाधान गरेर समाजको मानिसमा शिक्षाको ज्योति बालेर अन्धविश्वास कुरीति र महिलामाथि हुने हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाएर समाजका मानिसलाई असल र सत्यको बाटो देखाउनु समाज सेवामा लाग्नुको मुख्य उद्देश्य हो। मानिस ठुलो पैसाले होइन दिलले हुन्छ, त्यसैले म सधैँ आफ्नो जीवन समाजको हितमा लडेर सेवा गरेर आफ्नो जीवन पथमा अगाडि बढी सत्यको बाटोमा हिँडिरहन चाहन्छु। उद्देश्य चाहिँ हो कि हाम जीवनमा यी चिज बनाएको कि एठु कहावत बा कि मरे लगले पर घिउ पेले नाइ हुई, कल के मतलब कि जब हमन के रोग लग जी तब हमन के उस समय में रोग न लगे के उपाय पता लगा ठीक नहीं हो, कल के मतलब रोग लगले से पहले रोग न लगे के हमन के उपाय करे के आवश्यक बा। और हमन के जो छोटे छोटे लड़के बाटे उखन के भी ध्यान दे के आवश्यक बा, जिससे अब बाप मातारी उखन में ध्यान दे बाटे उखन के भविष्य निर्माण के लिए पढ़े के हिसाब से जो लड़के बाटे उस सब भी सवेरे उठ के पढ़ा बाहरी ज्ञान भी लेके आवश्यक बा। घर की स्थिति नाजुक रहला जो मातारी बाप बाटे घर के जो बाटे व्यक्ति उखन के भी घर के काम में सही करे के आवश्यक बा। कैसे महतारी बाप के भी एक ठू सोच रहला जो हमारे लड़का बिहान के जाके बढ़िया काम करे और हमार भी नाम रखें कि ते लड़का भी चाहे बेटुआ हो चाहे बिटिया हो, कितना जन की कहावत बा कि बिटिया दूसरे घर जाके गोबर काढ़े वाला हो हमारे का पढ़ाई, एकदम 100% गलत बात हो। कैसे एक ही कोख से जन्मल बेटुआ या बिटिया हो, बेटो के जितना स्थान डाल जी हमन के बिटिया के भी उतने स्थान देख आवश्यक बा। और हमन के बेटो बेटी में कबो भेदभाव न कहकर आगे बढ़ाए ते हमारे जरूर सफल हो सके, हमन के लड़का सफल हो सके। जैसे एक ठू ममता चौधरी कहा जा कौना घर के एक ठू बेटी होने और वहाँ भी घर के जो एक ठू सपोर्ट बा सहयोग बा ते आज जो सफल भी बाटे ते हमन के लड़का भी सफल हो सकी हैं और हमरे भी सफल करा सके कि मधुई मत नहीं बा। ते उसने हमन के अपन लड़का के भी अनावश्यक काम में भी न लगा जा ओखन के ठीक से माया ममता दुलार धल जा और ओखन के खास करके अब सीखना हो मेरे में पढ़ना हो मेरे में कौन भी चीज़ सीखना जो समय भैल बा ओखन के हमन के अच्छा से पढ़ाई के अच्छा से सिखाए के ते जरूर बिहान के जाके एक ठू समाज में बढ़िया योगदान दे सके यानी कि अपन नाव के साथ में घर परिवार के जो नाव बा अपन बाप महतारी के नाव बा स्थापित कर सकी हैं। सुना जा ममता चौधरी अजोन की वहाँ के अपन लक्ष्य बा समाज सेवा करे सकले, जैसे नहीं हम मनो भविष्य में जाके इंजीनियर बने के बजाय मनो इंजीनियर बन के समाज सेवा करे सकले जी, तेक मरा हम इंजीनियर बन के समाज सेवा करे बजाय। और ये हमारे समाज सेवा बने के सोच हमार के मनो हमार बाबू समाज सेवा रे तेक मरे सोच आई ले समाज सेवा बने मनो जिंदगी में आगे बढ़े चाह बढ़ते कुछ उद्देश्य रखा हम हाई बनम ना अपन अम्मा बाबा को थी अपने जब मन लगे बने वह बना कहे कि उद्देश्य ना रही ते आगे ना बढ़ पेबा उद्देश्य रही तब ते आगे बढ़ पेबा। हम पढ़ाए के साथ साथ अपन अम्मा बाबा सहयोग कर ले हम तो 5:30 बजे उठली नाई सकी तब वो कम से कम 6 बजे उठे चाहला वो हम के
उठ के नाय कर करी तब मुंह हाथ गोड़ धो के मनो एक छिन पढ़े तब फिर का करे पढ़ल ते ऑनलाइन पढ़े चाहला सहयोग करे चाहला नाय अवेर समझ सुदे चाहला द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हाइडन इन योर डेली रूटीन. एक जन मन की इंग्लिश में मनो थी कहावत बा हमन के भविष्य हमन के रोज दिन दैनिक कार्यक्रम में कहीं हम निर्भर रहला वही हमन के छुपल रहला देख मरे अपन डेली रूटीन के मिलाए हो और अथी कर को यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज और हाउ हार्ड इट गेट्स आई एम गोइंग टू मेक इट. अपने पहली हार ना माने चाहला जितना मेहनत करवा उतने तू आगे बढ़वा. बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल अपन में भरोसा रखवा ते सब चीज हो सकी. इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल मन शुरू करवा ते अफेरो लागे गारो लागे बगीर वो इम्पॉसिबल ना हो मनो ते सफल हो के छोड़वा ना कि वो हम ना हो पा. अब जे ऐसा सुतल है 10 बजे सब माँ रोहन के ते हम का कही पा हालिस उठे जान ला अलरम दे देख जान ला ना रोपा ने हालिस ते अपन डेली रूटीन एक बना के दैनिक तालिका बना के ओहन के पढ़े चाहला दैनिक तालिका बना के 6 बजे उठ के हाथ गोड़ धो के चाह ओ पी के 1-2 घंटा पढ़े चाहे भी नहीं तब फिर मामा बाबा कार में सहयोग कर देख चाहिए डेली का इन्हा कार्य मनो डेली का इन्हा काम में ध्यान दे चाहिए मनो ओहन के लिए रूटीन बना देख चाहिए कि हाई टाइम में हाई करे हाई टाइम में हाई करे स्कूल रहे स्कूल पढ़ा दे चाहे ना कि मनो करवाए ऑनलाइन क्लास वाला ते घर में नेट और जरा ना जोड़ देने जोड़ दे चाहला मनो ऐसा नेटो में ओकरून फिर ना निक ना हे देख चाहला ऐसे नहीं पढ़ाई के बारे में ऐसे नहीं निक निक हे देख चाहला और ऐसे नहीं ऑनलाइन क्लास पढ़े के लिए चला चाहे ऑनलाइन क्लास एक लिए ठीक हो एक लिए फिर एक नकारात्मक एक थी बा ऑनलाइन क्लास हो गई मोबाइल की नुआ लेने फिर ऑनलाइन क्लास ना पढ़ के फ्री फायर करने हमारे नहीं आई गाँव में ऐसा नहीं कर रहा मोबाइल की नुआ लेने बा फिर ऑनलाइन क्लास ना पढ़ी फ्री फायर भर खेलने मनो ना करे चाहला अपन एक उद्देश्य बोक के रे साहब बिना उद्देश्य आगे ना पढ़ पाते मरे एक उद्देश्य चाहे जी ले के चाहे छोट रही चाहे भली रही सब बराबर में देख मरे अपन उद्देश्य ले के रे चाहे वे काली और मेहनत करे पढ़े पढ़ के खाने नाई काम बने तब पढ़ के मनो अपन पॉजिटिव थिंकिंग अपन सकारात्मक बुद्धि होला पाछे के काम पैबे कर जीवन में सफल हो के लिए हमें की कर्म करही पड़ी हमारे चाहे डॉक्टर इंजीनियर वकील कोनो भी व्यापारी या हमारे पत्रकार या कोई भी हमारे पेशा कर्मी किसान हो फिर भी सबसे पहले तो हमने के अपन समाज बढ़िया बना के लिए हमारे सामाजिक सेवा में समर्पित हुई पड़ी सामाजिक अभियान जो खोल ओढ़ के करोड़ों और खरबों अरबों के पैसा लुटत बाटें वो अपन जगह पर बा फिर भी हमने के मन में एक ठू विचार हो पड़ल कि हम समाज के असल बना कह के तब भर के असल सभी समाज के निर्माण हो सके कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के लिए सबसे पहले तो मन की एक तो उद्देश्य हो पड़ल कितना जने बाटी कि अपन बाप महतारी से पढ़े के आदेश पहले बाटी यानी कि अपन जो पढ़े काम बाप महतारी एकदम सपोर्ट करत बाटी अब कितना जने बाप महतारी बाटी बिनी संजा के खा के न खा के भुखले पेसले अपन लैके के पढ़ात बाटी कितना जन बैंक से भी या कोनो भी संस्था से पैसा निकाल के भी अपन लैके के जो शुल्क तिरत बाटी बेटो बेटिया के भविष्य बने हो कि फिर भी बेटो बेटिया वो नहीं सोचत बाटी वो सब सोचत बाटी पढ़ाई हमारे लिए नहीं हो कि कैसे जे पढ़ाई हमारे लिए हो कि सोची वो जरूर बाप महतारी के जो पैसा बा तिरल जो फी बाकर सदुपयोग करी यानी कि मेहनत करके पढ़ी हमारे भी ममता जैसन बने के आवश्यक बा घर के लैका बाटी वो भी जो ममता जैसन बने के कोशिश करे के पड़ी और हमारे जो घर के व्यक्ति बाटी वो भी अपन लैका के ऐसे एक ठू उदाहरण रूप में काम करा सके पड़ी हमारे बेटा बेटिया में जब तक भेदभाव करे तब तक हमारे सफल हो के नहीं सके चाहे हमन के बिटिया हो या चाहे हमन के बेटवा हो हमारे भेदभाव न कह के हमारे एकदम सहयोग कह के आगे बढ़ाए के ते जरूर बेटवा बिटिया कोनो भी क्षेत्र में सफल हो सकी अब सब जन के अपन एक ठू उद्देश्य रहला हम हर चीज़ बनाब कोनो भी चीज़ बने के छोट बड़ा नहीं होला सब चीज़ बराबर हो फिर भी कोनो भी चीज़ में सफलता प्राप्त करे ही सबसे बड़ा बात हो ऐसे बातचीत करते विद्यालय समय हो गया बा आज हमारे बातचीत कर गल ममता चौधरी तिलोत्तमा नगर पालिका 10 महीनावा के निवासियों ने 10 कक्षा में अध्ययनरत बाटी और राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में 14 से 20 जने सहभागिता जन ले रहने जेमे 14 से 19 जन के 5 से 12 प्रथम हो सफल बिल बाटी और साथ में अब 30,000 नगद और
प्रमाण पत्र भी हासिल कैले बाटी ते वहाँ जैसे हमारे भी उदाहरण बन के देखा सके परी हमारे कार्यक्रम देखल गल और दिस धन्यवाद दिस ने हमारे के कैमरा पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद दे फिर जाते जाते राज की बात हमारे जीवन में सफल होय के लिए अपन भाग्य पर नहीं क्रम पर विश्वास कर जा और आगे बढ़ते रह जा हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सके हमारे समाज के एक ठो उदाहरण बन सके के ये कहत हम संचालक राज भी आपसे विदा होती देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन नमस्ते।